सवी पछताने वाली है अपने डिसीजन पे। यहाँ पर सवी ने जो कंप्लेंट करी रजत के खिलाफ बिना पूरी सच्चाई जाने, उससे सवी जो है वो एक टाइम पर आकर बिल्कुल पछताएगी, क्योंकि यहाँ पे सई जो है वो आशिका के साथ खुश नहीं रहने वाली, क्योंकि आशिका उसकी केयर ही नहीं करने वाली, वो तो अर्श के साथ ही बिजी रहने वाली है। तो यहाँ पे जैसे ही सवी को पता चलेगा कि सई के ऊपर दोबारा से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो सवी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफसोस होने वाला है। जब उसको पूरी सच्चाई पता चलेगी तो यहाँ पर सवी को अफसोस होगा। और वैसे भी यहाँ पर सवी को भी एडॉप्शन सेंटर वालों ने भी मना कर दिया है बच्चा गोद लेने के लिए, जो कि रजत ने कंप्लेंट करी थी सवी के खिलाफ। उसका परिणाम ये निकला है कि सवी को एडॉप्शन सेंटर वालों ने मना कर दिया है कि वो कोई भी बच्चा गोद नहीं ले सकती। और वहीं यहाँ पर रजत जो है उससे उसकी बच्ची छिन गई है, और वहाँ पर कोर्ट में उन दोनों को 15 दिन का टाइम मिला है। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिरकार उन 15 दिनों में होता क्या है, सई जो है वो यहाँ पर किसके पास रहती है, रजत या फिर आशिका या फिर अपनी परी आंटी। देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों कि आखिरकार डिसीज़न क्या होता है। हो सकता है इन 15 दिनों में सभी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मिस्टर ठक्कर यानी कि रजत ठक्कर के खिलाफ थोड़ा सा चेंज हो जाए। यहाँ पर देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिरकार फैसला होता क्या है। तो दोस्तों यहीं तक था आज का हमारा वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।